अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग बना रहे हैं आलू गोश्त। आज हम उसकी रेसिपी बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का आलू गोश्त। ये देखें, यह गोश्त है तकरीबन 1 किलो। हम इसको किसी भी तरीके से नहीं बनाएंगे प्याज दाग करके, हम इसको बनाएंगे सान, जिसको कहते हैं सान कर चढ़ाना। तो इन सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये 1 किलो मटन है। तो ये देखें, अब हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कच्ची प्याज। ये बिल्कुल कच्ची है, ये देखें, 1 रुपये वाला बनाएंगे हम इसको। ये कच्ची प्याज है, मोटी मोटी। के अंदर हम डालेंगे नमक ज़रूरत के हिसाब से। और ये आलू गोश्त हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं चावलों के साथ। सादे चावल जो तड़के वाले होते हैं वो भी हम दिखाएंगे, उस चावलों के साथ हम ये चाय वाला गोश्त बनाते हैं। नमक, मिर्च पिसी हुई, हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं, 1 चम्मच हमने हल्दी डाली है। और ये देखें, ये हमने दालचीनी डालनी है साबुत, ठीक है। और इसके अंदर अब हमें पानी डाल रहे हैं, ये देखें। पानी हम गोश्त गलने के हिसाब से डालेंगे। हम देखें, हम कप के अंदाजे से नहीं डालेंगे, हम ये चमचा है सालन का, हम इसके हिसाब से डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये देखें, 1 चम्मच ये हो गया। और 1 चम्मच ये हो गया, ये बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर। ये देखें, अब हमने चूल्हा खोल दिया है और हमने इसको जब तक उबाल नहीं आएगा हम तेज़ चूल्हे पर रखेंगे, और उबाल आने के बाद हम इसका नॉर्मल चूल्हा कर देंगे गोश्त गलने के लिए, ठीक है। बाकी हम और फिर बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ठंडा करें इसको, जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम स्लो कर देंगे, अभी चूल्हा तेज है। देखें, हमने गोश्त गलने के लिए छोड़ा था, अब गोश्त गल चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक पिसा हुआ डालेंगे। लहसुन, अदरक और दही, दही डाल रहे हैं हम। और ये दही है 1 पाव, टोटल दही हमने डाली है 1 पाव, लहसुन अदरक और दही, 3 चीज़ें डाली हैं हमने। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने उसके मसाला डालने के बाद ढक्कन ढक दिया था, अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखें, अब ये सालन बिल्कुल भुनाव पे आ चुका है, अब हम इसके भुनाई कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं अब आलू भी डाल देती हूँ, ये देखें।
हम ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, वो इसलिए फिर सारा मिर्चों का कलर आलूओं पे आ जाता है तो आलू अच्छे नहीं लगते रेड रेड। अभी आलू वाइट ही रहेंगे। अब हम इसमें शुरुआत डाल देते हैं। तो जितना आपको शुरुआत डालना है आप उसके हिसाब से शुरुआत डालना है, आपको जितना अपने घर के अंदर रखना है, ठीक है। और हम ये आलू को चावल के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं ये आलू गलने के लिए छोड़ देती हूँ चूल्हे पर, तेज़ चूल्हा रखूँगी, उबाल आ जाएगा तो हम हल्का कर देंगे, ठीक है। जीरा और काली मिर्च कुटी हुई डाली है, सिर्फ जीरा और काली मिर्च और कुछ भी नहीं डाला है। अभी अब मैं चमचा चला रही हूँ और अब ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तैयार है और मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ और ढकना ढक देती हूँ, ठीक है।